अयोध्या के में रामलला विराजमान हो गए हैं और अब उनके दर्शनों के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। 22 जनवरी सोमवार को भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में विधिवत पूजा हुई और रामलला की अलौकिक प्रतिमा मंदिर में विराजमान हुई। इस राम मंदिर को बनवाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी क्षमता और आस्था के मुताबिक दान किया है। अगर ट्रस्ट के आंकड़ों की बात करें तो राम मंदिर के लिए अब तक 3,200 करोड़ रुपए दान में मिल चुके हैं। इसके साथ ही अब एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि भारत के सबसे अमीर शख्स ने अकेले कितना दान किया है और सबसे ज्यादा दान करने वाला शख्स कौन है। एक रिपोर्ट के अनुसार सूरत के रहने वाले एक कारोबारी ने अकेले सबसे ज्यादा दान करके अंबानी और अडानी को भी पीछे छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि डायमंड बिजनेस से जुड़े दिलीप कुमार वी लाखी 101 किलो गोल्ड का दान किया है। मंदिर ट्रस्ट के नाम दान किया गया सोना गर्भगृह के साथ उसके दरवाजे और स्तंभ आदि में इस्तेमाल किया गया है। दिलीप कुमार वी लाखी 101 किलो सोने का दान किया है, उसकी बाजार में कीमत लगभग 70 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। दिलीप कुमार वी लाखी सबसे बड़े दानवीर बनकर कई बड़े बिजनेसमैन को पीछे छोड़ दिया है। कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु मोरारी बापू ने भी राम मंदिर के लिए 18 करोड़ का दान दिया है। गुजरात के हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया ने 11 करोड़ रुपए का दान दिया। अंबानी परिवार ने अयोध्या के राम मंदिर को 2.51 करोड़ रुपए का दान दिया है।